So a very good morning to all of you. Today we will be starting a new chapter thermodynamics. तो इस बार हमारे पास ये पांच टॉपिक्स है. इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमाइंड यू दैट कि इस सेशन के लिए हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, तो वो आपने नहीं पढ़ना. दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है. तो इस बार के लिए, इस सेशन के लिए हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर आपके सिलेबस में नहीं है. Okay, तो हमारे जो मेन टॉपिक्स बनेंगे वो बनेंगे आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम जब दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पे होती है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम देखें तो क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स, ये है बॉडी सी. इन दोनों के बीच में, जो ए और बी के बीच में, ठीक है, जो वॉल है वो है इंसुलेटिंग. बेसिकली यहां से हीट कंडक्ट नहीं हो सकती, ठीक है. बट ये वाली जो वॉल है ए और सी, बी और सी के बीच में, ये है डायथर्मिक. ठीक है, मतलब ए से सी में हीट आ सकती है, बी से भी सी में हीट आ सकती है. ए से सी में भी हीट जा सकती है, बी सी में भी हीट जा सकती है. तो वो कह रहा है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है, जैसे मान लो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में. अब आपको पता है जो ए और सी है वो हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसी तरीके से बी और सी भी हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो ए और बी है, जबकि उनके बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो जो ए और बी है वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. कहने का मतलब ये है कि अगर दो बॉडीज सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, लाइक ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बिकॉज ये हीट एक्सचेंज करेंगी, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये भी हीट एक्सचेंज करेगी, तो जो ए और बी है ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. अब अगर इसको हम मैथमेटिकली करें कि जो TC है, टेम्परेचर एट C इज इक्वल टू टेम्परेचर एट A, मैथमेटिकली कर रहे हैं, ऑल्सो TC इज इक्वल टू TB, जो A का टेम्परेचर है वो C के इक्वल है और जो C का टेम्परेचर है B के इक्वल भी है, तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, TA इज इक्वल टू TB. तो दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कहने का मतलब यह है कि अगर दो बॉडीज, जैसे मान लो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, जबकि उनके बीच में एडियाबेटिक वॉल लगी है जिसमें से हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती. इज दैट क्लियर? सो दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, टेम्परेचर की डेफिनेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो लास्ट चैप्टर में. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ब्रांच है जो कि हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को पढ़ती है और पढ़ती है कैसे हीट एक्सचेंज होती है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में. थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड असेंबली ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स Having certain value of temperature, volume and pressure. ये तीन चीजें बार बार हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ये तीन चीजें हम बार बार पढ़ेंगे, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर. ठीक है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर. अब यहां पर लिखा भी हुआ है सराउंडिंग्स, एक टर्म आएगी सराउंडिंग्स, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम. देखो सिस्टम और सराउंडिंग हमने पढ़ लिया. थर्मोडायनेमिक सिस्टम An assembly of very large number of particles having certain value of temperature, volume and pressure. Surroundings,
एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग्स है, ठीक है, विच कैन हैव डायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि ये सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं, जहां पर जिन जगहों पर टेम्परेचर कम रहते हैं वहां पर आप पानी को कितना भी गर्म कर लो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जहां पर टेम्परेचर जा रहता है वहां पर थोड़ा टाइम जा लेगा बेसिकली। तो सराउंडिंग एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन हैव डायरेक्ट इंपैक्ट या इफेक्ट ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्वांटिटीज लाइक प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये जो तीन चीजें हैं हम बार बार पढ़ेंगे, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनमें से एक भी अगर क्वांटिटी चेंज हो गई तो उस गैस की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी ही होगी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होती है किसी गैस की, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर इनमें से एक भी क्वांटिटी चेंज हुई तो दूसरी क्वांटिटीज भी चेंज होगी और देयर विल बी चेंज इन द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ स्टेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन विच रिलेट्स पीवी एंड टी, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को जो रिलेशन रिलेट करे उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। थर्मल इक्विलिब्रियम, टू सिस्टम्स आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ दे हैव द सेम टेम्परेचर। दो सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में तब बोल सकते हैं जब उन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। जीरोथ लॉ हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, यहां पर कुछ टर्म्स है आपको दिख रहा है, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क? हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पिछले चैप्टर में। वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ब्रॉट अबाउट बाय मींस विच डू नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस सच एज इन्वॉल्विंग द पिस्टन और सिलेंडर। देखो तो हीट और वर्क में फर्क क्या है? हीट तब प्रोड्यूस होती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। वर्क तब होता है जब हमें एक्सटर्नल कोई एजेंसी यूज करनी पड़ती है, जैसे कि मेन जो कोई भी इंजन है, इंजन में मेनली वर्क कौन करता है? पिस्टन। तो बेसिकली अगर हम कहें हीट और वर्क है दोनों ही एनर्जी, हीट एंड वर्क आर बोथ आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, बट हीट में एक ही कंडीशन है कि टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट बनती है, लेकिन वर्क में क्या है कि यहां पर हम एक पिस्टन का यूज करेंगे, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करेंगे बेसिकली। हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच प्रोड्यूसेस रैंडम मोशन। और हीट में क्या होगा, एक ऐसा एनर्जी ट्रांसफर है जिसमें रैंडम मोशन होगा, कोई भी कहीं भी जा सकता है। वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच प्रोड्यूसेस ऑर्गेनाइज्ड मोशन। अब देखो जो पिस्टन है वो लगातार एक ही मोड में काम करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिकेटर डायग्राम, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। अब इंडिकेटर डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तीन टर्म्स बार बार जो हम पढ़ेंगे, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अगर हम इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाए और तीसरी क्वांटिटी को कॉन्स्टेंट रख दे तो उसे कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। तो पहला है उसमें पीवी डायग्राम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पीवी डायग्राम नाम से पता चल रहा है, पीवी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो जब कोई मतलब सिस्टम एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। जब कोई सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है तो देखो उसका जो प्रेशर है वो कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। अ ग्राफ ड्रान विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस अंडर थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन इज कॉल्ड पीवी डायग्राम। और ये ध्यान रखना, एक्सपेंशन में जो प्रेशर है वो कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और ये सिंबल ऐसे, अगर आपके पास सिर्फ एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है ना, ये अगर सिंबल इस तरफ लगा हुआ है तो वो एक्सपेंशन का है, अगर सिंबल इस तरफ लगा हुआ है तो कंप्रेशन का है। तो ध्यान रखना ये चीज, ठीक है।
और कंप्रेशन का कैसे, बिल्कुल सेम ग्राफ, बस ये जो सिंबल है वो उल्टे तरफ आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, बिकॉज कंप्रेशन में उल्टा होता है, प्रेशर बढ़ता है ठीक है और वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो ग्राफ में, जब एक्सपेंशन हुआ तो देखो वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कम है, V1 की वैल्यू कम है ठीक है, लेकिन प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो जब एक्सपेंशन हुआ तो देखो प्रेशर लगातार घटता जा रहा है, वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है। कंप्रेशन में इसका उल्टा, कंप्रेशन में देखो ए पॉइंट यहां पर है, सॉरी एक्सपेंशन में ए पॉइंट यहां पर है ना, कंप्रेशन में ए पॉइंट यहां पर है, ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट। तो कंप्रेशन के केस में वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ए पॉइंट पे है वो ठीक है, तो फिर जैसे से यहां पे बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा वो बी पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा ओके। तो एक कंप्रेशन, अच्छा तो पीवी डायग्राम बनाने का फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग अ पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम बनाने का फायदा क्या है, इफ वी फाइंड द एरिया अंडर पीवी डायग्राम वी कैन कैलकुलेट वर्क डन, हम वर्क डन निकाल सकते हैं इससे ओके ठीक है। तो ये इसका फायदा है, क्योंकि कोई भी हम चीज ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका फायदा कुछ होना चाहिए ना, तो यहाँ पे पीवी डायग्राम बनाने का फायदा ये है कि अगर हम एरिया अंडर पीवी डायग्राम निकाल पाए, ये जो एरिया है ये वाला, ये जो एरिया है अगर हम ये निकाल पाए ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस भी है। आगे लिखा हुआ ये, द एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट, एनालिटिकल मेथड फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। अब एनालिटिकल मेथड निकालेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओके। यहां पे करके दिखा देते हैं, देखो हमें पता है हमें वर्क डन निकालना है ना, तो स्मॉल वर्क डन निकालेंगे बिकॉज डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो रही है, फोर्स लगाई एफ इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1, ये आपको पता है फोर्स का, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो एक उसको पुट कर देंगे हम, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। तो ये आपको दिख रहा है कुछ, ये एरिया और ये एक्स डी एक्स है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, लेकिन डी एक्स है तो स्मॉल वॉल्यूम, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू P और यहां पे क्या आ जाएगा dv, वॉल्यूम ठीक है। और जब आप इसको, ये मेन फॉर्मूला है, और जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे dw को, तो ऐसे बन जाएगा ये P dv ठीक है। तो दिस इज इट, ये वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है, ये हम फॉर्मूला बहुत बार यूज करने वाले हैं, तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना है आपको ठीक है। अब लिमिट्स भी पुट कर सकते हो आप, डिपेंडिंग लिमिट क्या है इसकी, तो हीट वर्क पढ़ लिया, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या होते हैं, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को या एटम को गर्म करते हैं ठीक है, तो गर्म करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे वो रैंडमली मूव करने लग जाएंगे, तो उसके अंदर एनर्जी बनती है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं उसको ठीक है, क्योंकि उसके मोशन की वजह से आ रही है ये एनर्जी, उसके मोशन की वजह से है
ठीक है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनेगा बिकॉज दो टॉपिक आपके बाहर हो चुके हैं सिलेबस से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, उसी को फॉलो करना है, ये वो बेस है फिजिक्स की ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है वो, मान लो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इसके नीचे फ्लेम लगा रहा हूं, इसके नीचे फ्लेम लगा रहा हूं, ठीक है, इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पर कुछ हीट दे रहा हूं। मान लो वो जो हीट है वो है डेल्टा क्यू, हीट को किससे शो करते हैं, क्यू से ना, तो मैं इसमें डेल्टा क्यू हीट दे रहा हूं, डेल्टा क्यू हीट दे रहा हूं, तो इसके पास कुछ एनर्जी आ गई, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करने लग जाएंगे, ऑफकोर्स वो इधर उधर मूव करने लग जाएंगे, रेंडम मोशन में आ जाएंगे वो, ठीक है, मूव करने लग जाएंगे। अब मैंने इसमें हीट दी तो एनर्जी कितनी मैंने खर्च की, डेल्टा क्यू। अब ये जो बॉडी है इस एनर्जी को दो तरीके से खर्च करेगी, दो तरीके से खर्च करेगी, एक तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और दूसरा वर्क डन करेगी। तो हुआ ना ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। अब आपने इसको एनर्जी दी डेल्टा क्यू, तो ये दो काम करेगी, पहले अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, पहले रैंडम मोशन में आएंगे, इनमें कुछ वेलोसिटी आएगी, और फिर ये वर्क डन करेंगे, ठीक है। पहले आपने क्या किया, आपने हीट दी डेल्टा क्यू, हीट दिया आपने, तो जितने भी ये पार्टिकल्स हैं ये सारे रैंडम मोशन में आ जाएंगे, इधर उधर मूव करने शुरू कर जाएंगे। अब जब मूव कर गया तो इनमें इंटरनल एनर्जी बच जाएगी, अब जब वो इंटरनल एनर्जी कुछ ज्यादा हो जाएगी तो वो एक्सपेंड कर सकती है उसको, तो इससे क्या होगा, ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। देखा ना, जब आप पानी को गर्म करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो एकदम सोडी होता है, पहले उसमें बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ आते हैं ना, तो पहले इंटरनल एनर्जी बनती है, जो भी हीट प्रोवाइड होती है उससे वो दो काम करता है, लेकिन पहला काम है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, जब बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, तो वो वर्क डन कर सकता है, उसको एक्सपेंड कर सकता है वो, ठीक है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और अभी हम एक फॉर्मूला निकाल के आए हैं पी समेशन डीवी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। यहां पे देखो लिखा हुआ है मेयर्स फॉर्मूला, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम 11th के पेपर में था, ठीक है। ये चैप्टर नियरली मेरे हिसाब से 7 या 6 नंबर का आना चाहिए, कई बार 8 का भी आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि चॉइस में अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो 6 से 8 मार्क्स का यूनिट आ जाता है, छोटा यूनिट हो गया है और भी, बिकॉज जो दो टॉपिक है वो कट गए हैं, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये एक मेन क्वेश्चन है इसका, इसको अच्छे से पढ़ते, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। तो व्हाई सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, पहली बात तो सीपी होता क्या है, सीवी होता क्या है, तो लास्ट चैप्टर में हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ लिया, एनर्जी रिक्वायर्ड या हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 degree Celsius और 1 Kelvin, ठीक है। तो सीपी, सीपी का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जो डेफिनेशन है ना स्पेसिफिक हीट की, वहां पे एक और कंडीशन ऐड करेंगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और सीवी में जब हम बात करेंगे तो सीवी में हम क्या कहेंगे, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन भी बनाना चाहे हम, तो इसे डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लें ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टाइम लगा सकते हैं हम।
तो स्पेसी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, इसको सिंबल क्या देंगे, सी, ठीक है, और उसके सफिक्स में पी, सीपी, ठीक है। तो ऐसे ही स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसे लिखते हैं सीवी, ठीक है। मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोली मैंने, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ मास टू 1 degree Celsius पब्लिक कैल्विन, ठीक है, 1 या 1 कैल्विन, ओके। हाँ, बस यहां पे अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर की कर रहे हो तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। उसी तरीके से अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कर रहे हो तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ओके। तो ये डेफिनेशन होती है, ओके। तो कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो स्पेसिफिक हीट अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी होती है स्पेसिफिक हीट, यही दोनों ही होती, लेकिन ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीपी और सीवी। तो पहला हम थ्रेटिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सीपी हमेशा सीवी से बड़ा क्यू होता है, सीपी हमेशा सीवी से बड़ा क्यू होता है, पहले ये क्वेश्चन है, थ्रेटिकल है। उसके बाद हम डेरिवेशन भी करके दिखाएंगे। तो व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जब गैस हीट करते हैं हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, द हीट सप्लाइड इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। यहां पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी फॉर्मूले के बेस पे हम बोल रहे हैं चीजें। मैंने क्या बोला आपको अभी कि जब हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं तो वो दो तरीके से उस हीट को काम में लाता है, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए और दूसरा उसका वर्क डन करने के लिए। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब आपको यहां पर कंडीशन दिख रही है कि जब हम गैस को हीट करते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो गया तो वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर डेल्टा वी जीरो हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, बिकॉज ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट करेंगे तो जो जितनी भी एनर्जी है, पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए ही यूज हो जाएगी, वर्क डन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। बट व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जब हम कॉन्स्टेंट प्रेशर पे उसे हीट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और वर्क डन भी होगा, ठीक है। देयरफॉर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू वर्क डन इज यूटिलाइज्ड। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीपी है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर वाला जो कंडीशन है, वहां पर वर्क डन भी होगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, तो ज्यादा वर्क डन हो रहा है बेसिकली वहां पर, तो जो एनर्जी है, जो हीट है, उसका बेटर यूज हो रहा है। लेकिन जब सीवी की बात करेंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही बढ़ पाएगी, वर्क डन नहीं हो। तो ये तो था थ्रेटिकल आंसर एक नंबर के लिए। बट अगर आपके पास डेरिवेशन आ जाए, इस डेरिवेशन का डायरेक्ट नाम है मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं, यह आ जाए क्वेश्चन, प्रूव दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आर गैस कॉन्स्टेंट आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी पढ़ चुके हो, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो वहां पे भी तो मेयर्स फॉर्मूला पढ़ते हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कैपिटल आर, हमें प्रूव करके दिखाना है। लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं हम कि 1 mole ऑफ एन आइडल गैस, 1 mole ऑफ एन आइडल गैस विच इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, हमने मान लिया
कि एक मोल है आइडियल गैस का, ध्यान रखना आइडियल गैस है, पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है, विच इज हीटेड, इसको हम हीट करते हैं टू रेज इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बाय डेल्टा टी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी हमने पढ़ा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इफ डेल्टा क्यू हीट इज एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अब मान लो पहली जो कंडीशन है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बिकॉज में सीपी बनाना है, ठीक है, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा जीरो, यहां पे लिख सकते हो आप डेल्टा वी कितना हो जाएगा जीरो, जब डेल्टा वी जीरो हो गया तो क्या बचा हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दे तो आपको पता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन टी, और अब यहां पर आप सोचोगे सर मास भी तो होता है, यहां पर वन मोल के लिए ले रहे हैं हम वन मोल के लिए, तो मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाएगी यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, यहाँ पे वन मोल लिखा है ना तो वन से अगर डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है, समझ आ गई। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या बन गया सीवी बन गया, तो सीवी का फॉर्मूला क्या आया डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे वी लिखा है ये बताने के लिए कि हमने ये कंडीशन तब निकाली जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। अब अगली कंडीशन लगाते हैं, नाउ द हीट डेल्टा क्यू इज एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अब मान लो दूसरी कंडीशन कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो अब क्या होगा CP इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी पी, कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी पी प्लस पी, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो दो इक्वेशन आ गई, हेयर इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज उसे अगर हीट मिलेगी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन में आएंगे और तब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर वन और टू आ गई, तो हमने उन दोनों को माइनस कर दिया, माइनस कर दिया तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, चाहे प्रेशर कॉन्स्टेंट हो चाहे प्रेशर चाहे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, यहां पर यह बात बोलनी बहुत जरूरी है, ठीक है, कि यहां पर इंटरनल एनर्जी, यहां पर इसलिए मैं लिखवाया यहां पर कि इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे कॉन्स्टेंट प्रेशर हो चाहे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो, बिकॉज उसे फर्क सिर्फ तब पड़ेगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, तो इसीलिए कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जितनी इंटरनल एनर्जी है उतनी ही कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे भी होगी, समझ आ रही है। तो इसीलिए डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा ये कैंसल हो जाएगा, क्लियर। अगेन आई एम स्टेटिंग दैट कि ये वाली जो इंटरनल एनर्जी है और जो सीवी में जो इंटरनल एनर्जी आई थी वो दोनों सेम है, बिकॉज वो इंटरनल एनर्जी थी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और ये है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, बट इंटरनल एनर्जी पे प्रेशर और वॉल्यूम का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी सेम रहेगी। ओके, तो यहां बचा पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, अब हमें पता है PV इज इक्वल टू आर टी आइडियल गैस इक्वेशन और यहाँ पे N की वैल्यू 1, ठीक है। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो देखो P dV अपॉन dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं, तो इसीलिए अगर हम ये कंडीशन ना लिखते ना कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो P और V दोनों ही वेरिएबल है, तो फिर तो हम वो लगाते हैं यूवी रूल, मैथमेटिक्स में पढ़ा है आपने यूवी रूल, जब दो वेरिएबल हो उनकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, बट यहां पर हमने कंडीशन लगा दी कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो एक कॉन्स्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो जो कॉन्स्टेंट है वो साथ साथ चलेगा, पी साथ चलेगा, डी बाई डी टी ऑफ वी इज इक्वल टू आर डी बाई डी टी इन टू टी, आपको पता है टी का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है, तो क्या बचेगा R, जैसे X का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू X 1 होता है, तो यहां पे क्या बचा P dV अपॉन dt कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R, ठीक है, तो P अगर हम उसको d की जगह डेल्टा V कर ले, डेल्टा V अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू R, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई R के इक्वल आई, तो यहां से प्रूफ हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर करना है आपको, ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला है ये गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, तो दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास,
सीपी माइनस सीवी ठीक है इज इक्वल टू कैपिटल आर, उसके बाद गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, ये फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनिमेशन दिखा देता हूं मैं इसमें। अब देखें हमारे पास चार तरह की थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती है। सबसे पहले आइसोकोरिक, आइसोकोरिक जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। जब हमने पहले ही बोल दिया कि आइसोकोरिक में वर्क प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा वी जीरो। आइसोबारिक, आइसोबारिक में प्रेशर चेंज ऑफ प्रेशर जीरो रहता है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल नाम से पता चल रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट, ध्यान रखना आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबेटिक नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट तो डेल्टा क्यू जीरो। तो ये चार टर्म्स है, ये चार तरह की प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा वी जीरो, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट तो डेल्टा पी जीरो, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी जीरो, एडियाबेटिक नो एक्सचेंज ऑफ हीट डेल्टा क्यू जीरो। हमारी जो मेन दो हैं वो है ये दोनों, इन दोनों पे ही क्वेश्चन आता है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, इन दोनों पे मेन क्वेश्चन आता है। और ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब हम कर लेते हैं आइसोथर्मल। ये हम छोटे छोटे हिंट्स ले रहे हैं, इसके नोट्स फुल फ्लैश हम देखेंगे इसके। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या रहे कॉन्स्टेंट रहे तो आपको पता है कि तीन क्वांटिटीज है डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू, तो इसमें से क्या हो जाएगा डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा यू जीरो, बिकॉज जो इंटरनल एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, उसे प्रेशर और वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या बचेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू। तो ये इस प्रोसेस में क्या होगा, सारे की सारी जो हीट आई है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन में। तो नेट हीट इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट इज इक्वल टू नेट हीट आउट। तो अगर हीट अंदर आएगी तो उससे वर्क डन होगा, ठीक है, और अगर वर्क डन अंदर की तरफ होगा तो हीट बाहर निकलेगी। वो डिपेंड करता है कि अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो सिस्टम पे अगर हीट आ रही है सराउंडिंग से, सिस्टम पे अगर हीट आ रही है तो वर्क डन बाहर की तरफ, और अगर सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रही है तो वर्क अंदर की तरफ। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल याद रखना, जो प्रेशर कुकर होता है प्रेशर कुकर, ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर सिस्टम और प्रेशर कुकर के बाहर जो भी आसपास का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग हो गया। ठीक है, जब प्रेशर कुकर बहुत गर्म हो जाता है तो क्या होता है, उसमें सीटी जो होती है वो लगाई होती है ना, वो क्यों लगाई होती है, वो सीटी इसलिए इसी उसमें देख लो आप कि देखो जब उसमें हीट बहुत ज्यादा बन रही होती है, जब उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट बन जाती है तो उसकी जो सीटी है वो बाहर की तरफ निकलती है, और हीट कहां जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन कहां होगा, बाहर की तरफ होगा, इसीलिए वो जो सीटी है वो ऊपर की तरफ जाती है तो एक्सपेंड होगा, उस वक्त क्या होगा एक्सपेंड होगा, लेकिन जैसे जैसे उसमें से जब सारी की सारी हीट निकल जाती है तो दोबारा से कंप्रेशन होगा, अंदर की तरफ वर्क होगा और हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, ये देखो ये एग्जांपल है इसका। आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखो जरा इसको, देखो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम देखो 5 तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है जब वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। ठीक, और देखो प्रेशर भी देखो चेंज हो रहा है, और ये ग्राफ लगातार बन रहा है आपका। समझ में आ रहा है? ठीक है, और यहां पे देखो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है,
टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, तो ये आइसोथर्मल के लिए है, ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। और मैंने आपको क्या कहा था, जब एक्सपेंशन होगा तो ग्राफ की जो शेप होगी वो इस तरफ होगी, और जब कंप्रेशन होगा तो इस तरफ बजेगी। ठीक है, प्रेशर देखो ऐसे चेंज हो लगातार। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करते हैं, एक्सपेंशन की बात कर ली, कंप्रेशन की बात करते हैं। डेल्टा ये देखो, यहां पर हमने क्या लगाया, यहां पर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, यहां पर हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रख रहे हैं। तो ये ग्राफ आएगा इसका, मैंने आपको अभी ग्राफ दिखा दिया है ऑलरेडी। कंप्रेशन में आएगा इस तरफ, एक्सपेंशन अगर होगी तो ये ग्राफ इस तरफ आता, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, शेप यही बनेगी। अब देखो एक्सपेंशन का, देखो ये ग्राफ, एक्सपेंशन का ग्राफ इस तरफ आएगा, कंप्रेशन का ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा। अच्छा, ये हम इक्वेशन पढ़ेंगे आइसोथर्मल वर्क, आइसोथर्मल वर्क का जो फॉर्मूला है ये यहां से निकाल, हम निकाल के दिखाएंगे, डेरिवेशन करेंगे। एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक में पहले ही बोला कि नो हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो जब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जब हमारे पास डेल्टा क्यू जीरो हो गया तो दोनों जीरो के इक्वल हो जाएंगे, चेंज कर देंगे तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, तो दिस इज इट, वर्क डन एट एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, इनपुट वर्क इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी। देखो ये है, यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आइसोबारिक है। बेसिकली यहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, देखो ये कैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं और फिर कंप्रेस हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये स्लो है, ये देखो कितना स्लो स्लो जा रहा है, वो कितना तेज तेज हो रहा था ना, ये थोड़ा स्लो है उससे। तो ये एडियाबेटिक है। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करें, ग्राफ सेम बनेगा, देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। ये जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाले ये एडियाबेटिक है, ये जो रेड वाले हैं ये आपके पास आइसोथर्मल वाले हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एक एडियाबेटिक कंप्रेशन है, और ऐसे ही ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन। सीपी माइनस सीपी इज इक्वल टू आर, इसकी डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पेपर में आया था, तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट और लास्ट टाइम भी पेपर में आया था। मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, प्रूव दैट सीपी माइनस सीपी इज इक्वल टू आर। सो दैट्स इट, थैंक यू ऑल।